राइडर हमारे दर्शन करके आ चुके हैं, तो पता कर लेते हैं कि वृंदावन में क्या क्या देखा और कहाँ कहाँ गए थे। हेलो गाइस, हाय। अभी मैम आप कहाँ कहाँ गए थे वृंदावन में? हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। गाइस आज है 12 नवंबर 2022, टाइम हो रहा है 6:10 और मैं हूँ अभी महिपालपुर दिल्ली। मैं अभी सुबह सुबह उठ के आ गया घर से निकला था 4 बजे, फिर 1 घंटा वेट करा इंदिरापुरम में, कोई ड्यूटी नहीं बजी एयरपोर्ट की, और खाली वहाँ से निकल गया मैं 5 बजे, तो 5:40 में पहुँच गया महिपालपुर। तो 20-25 मिनट हो चुके हैं मुझे यहाँ आए हुए, और मेरा पिकअप है यहाँ से 6 बजे, लेकिन थोड़ा डिले हो रहा है। कोई बात नहीं, राइडर को फ़ोन कर दिया है, राइडर बोल रहा है 15 मिनट में हम रेडी हो जाएंगे, फिर आप आ जाना। तो आज फिर मैं कहीं दिल्ली से बाहर जा रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, किसके साथ जा रहा हूँ, कौन है, कितने लोग हैं, कहाँ कहाँ जाएंगे, कहाँ कहाँ घूमेंगे, सब कुछ बताएंगे इसी ब्लॉग में। ब्लॉग लास्ट तक देखना, ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना दोस्तों के साथ में। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो, जिससे कि आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हो तो प्लीज़ फॉलो कर लो, बेल आइकन दबा दो, अच्छा लगे दोस्तों के साथ शेयर भी कर दो। अगर आपने अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, इंस्टाग्राम आईडी का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। फेसबुक पे देख रहे हो कमेंट बॉक्स चेक करो, बाकी स्क्रीन पे भी आ रहा है। तो आज का ब्लॉग बहुत ही मस्त होने वाला है, क्योंकि ये ड्यूटी अर्जेंट में मिली है कल रात को 9 बजे फाइनल हुई है, तो सुबह ही आ गया पिकअप करने। बाकी गाड़ी अपनी साइड में खड़ी है, क्लीन बिल्कुल एकदम, और बहुत सारी गाड़ी यहीं पे, सब लोग ड्राइवर भाई सो रहे हैं इधर ही, यहाँ ड्यूटी का इंतजार करते करते नहीं बसती, बेचारे सो जाते हैं जैसे हम भी सो जाते हैं कहीं कहीं पे। तो कोई याद नहीं, आ जाएगी इनकी भी ड्यूटी, अपनी तो आ चुकी है, तो राइडर का आ जाएगा फोन, फिर जाएंगे पिकअप करने और मिलवाएंगे राइडर से। तो आज का ब्लॉग कर लेते हैं महिपालपुर दिल्ली से स्टार्ट, गो। सो गाइस पिकअप मेरा हो चुका है और राइडर आ चुके हैं, तो मिलवा देता हूँ राइडर से, कौन है, कहाँ से है, सारा कुछ। सो गाइस आज के राइडर ये, हेलो सर। हाय, कैसे हो सर? बढ़िया एकदम। अभी आप कहाँ से हो सर? हम लोग मुंबई से है। अच्छा, मुंबई से हो, तो हम दिल्ली घूमने आए थे। हाँ, हमारा फैमिली टूर चल रहा है। अच्छा, फैमिली टूर, कहाँ कहाँ घूम के आ गए सर? हम लोग हिमाचल, मनाली और सब जाके। अच्छा, मनाली भी हुआ है? हाँ। तो एंजॉय किया ना मनाली में? बहुत। अभी वहाँ पे स्नो था थोड़ा बहुत, ऊपर था जिसपा में, हम लोग राइड बाइक राइड करके गए थे। अच्छा, तो बढ़िया हो गया ना। हाँ, अभी दिल्ली एक्सप्लोर कर लिया आपने? हाँ, दिल्ली एक्सप्लोर किया। कैसा लगा दिल्ली? बहुत मस्त। अरे फर्स्ट टाइम आए हो आप? फर्स्ट टाइम। अच्छा, फैमिली टूर चल रहा है अभी लंबा ना? हाँ। तो अभी हम कहाँ जा रहे हैं? अभी हम जाएंगे वृंदावन, मथुरा और आगरा, ताजमहल। सो गाइस अभी हम जा रहे हैं आगरा, मथुरा, वृंदावन। आगरा, मथुरा, वृंदावन बरसाना बढ़िया से घुमाएंगे, कोई शिकायत का मौका नहीं देंगे। तो आज मजे आने वाले हैं, क्योंकि सर का फैमिली टूर चल रहा है काफी लंबा, हिमाचल, दिल्ली, और ऐड हो गया आज आगरा, मथुरा, वृंदावन भी। तो देखते हैं इस फैमिली के साथ हम कितना एंजॉय करेंगे, ये फैमिली हमारे साथ कितना एंजॉय करेगी, सारा कुछ बताएंगे इसी वीडियो में, वीडियो लास्ट तक देखना। तो अभी यहाँ से निकल रहे हैं, पिकअप हमारा हो चुका है, रास्ते में कहीं रुकेंगे ब्रेकफास्ट के लिए, तो अपडेट करेंगे, वरना फिर मिलेंगे वृंदावन पहुँच के। तो अभी सर को बोलते हैं बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट स्टॉप पे पहुँच के, बाय। तो गाइस टाइम हो गया 9:20, हम पहुंच गए वृंदावन। वृंदावन में आज हैवी भीड़ हो रही है, बहुत ज़्यादा भीड़ है, पुलिस वाले भी बहुत एक्टिव हैं आज। आज मल्टी लेवल कार पार्किंग से गाड़ी अंदर जाने ही नहीं दे रहा, बैरिकेडिंग कर रखी, वहीं से गाड़ी वापस कर रहे हैं, या फिर बोल रहे हैं पार्किंग में लगाओ गाड़ी। तो मैंने सबको बोल दिया आपको यहाँ से ई रिक्शा से जाना पड़ेगा प्रेम मंदिर तक और बांके बिहारी मंदिर तक। तो सर चले गए हैं बांके बिहारी और प्रेम मंदिर, उधर ही सर ब्रेकफास्ट कर लेंगे। मैं इधर आया हूँ, देखो वैष्णो देवी धाम मंदिर है ना, वो मैया जी की मूर्ति लगी, बहुत कम दिखती होगी, इधर ही ब्रेकफास्ट करने आ गया, और रास्ते में कहीं रुके नहीं थे, फटाफट आ गए हम लोग। तो अभी सर देख के आ जाएंगे प्रेम मंदिर, बांके बिहारी, इस्कॉन टेम्पल, सारा कुछ बता दिया, जैसे आ जाएंगे फिर सर से पूछेंगे क्या क्या देखा और कैसा लगा। तो अभी वेट कर लेते हैं हम लोग इधर ही पार्किंग साइड में, और आ जाएंगे सर, फिर यहाँ से निकलेंगे आगरा के लिए। तो बस कुछ देर वेट करो, करते हैं अपडेट कुछ देर के बाद। सो गाइस राइडर हमारे दर्शन करके आ चुके हैं, तो पता कर लेते हैं कि वृंदावन में क्या क्या देखा और कहाँ कहाँ गए थे। हेलो गाइस, हाय। अभी मैम आप कहाँ कहाँ गए थे वृंदावन में? हम गए थे प्रेम मंदिर, जहाँ पे मंदिर बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है। अच्छा, मंदिर के अंदर गए थे आप? हाँ, हम मंदिर के अंदर गए थे, दर्शन भी बहुत अच्छे से हुआ, भीड़ था बट दर्शन अच्छे से हुआ, बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है मंदिर। और आप बांके बिहारी की तरफ गए थे, बांके बिहारी मंदिर भी है, बांके बिहारी इस्कॉन टेम्पल और मंदिर है जो हमको आगे आगरा
और मथुरा जाना है तो अच्छा टाइम का प्रॉब्लम चल रहा है थोड़ा ना, तो अभी एक ही मंदिर देखा आपने। इस मंदिर के बारे में आपने पहले सुना था क्या? प्रेम मंदिर ये फेमस है वृंदावन का, थोड़ा बहुत सुना था, है ना? सुना था ना। अभी आपको कैसा लगा प्रेम मंदिर में? बहुत ज्यादा अच्छा है। आप उसने पत्थरों में वर्क करा हुआ दीवारों पे देखा था वो? अक्षरधाम उसका नाम ही कुछ ऐसा है ना। तो अभी इंजॉय किया ना वृंदावन में? लेकिन आपको पता है कि यहाँ पे लाइटिंग का शो होता है, मतलब लाइटिंग इसकी फेमस है, रात को 6-7 बजे ऑन हो जाती है प्रेम मंदिर की, तो और शाम को बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है। अच्छा okay. हमें वो वहाँ पे बहुत सारे फाउंटेन तो दिखे हाँ, लेकिन बंद थे अभी। हाँ, वो अभी शायद रात को चालू होगा। और वहाँ पे ना वृंदावन में जैसे जो वो ना कृष्ण जी ने छल की उंगली पे उठाया था गोवर्धन, हाँ, हाँ, वो सब दिखाया गया, वो सारा देखा बढ़िया से। सब स्टोरी पूरा काम किया है उन्होंने, बेसिकली सब स्टैचूज बनाए हैं, वैसे वैसे लीला जो जो था उनका सब दिखाया। अभी लगा ना ऐसा कि हाँ हम भगवान के घर पे आए हुए, ऐसा कुछ लग रहा था ना। बहुत पीसफुल है जगह। अभी आपने फोटो वोटो कुछ क्लिक करे? फोटोज भी। मैं तो गया नहीं था क्योंकि पुलिस वाले आगे नहीं जाने देते, आज बहुत ही भीड़ था। इतना तो मैं पहले कभी कभी देखता था, लेकिन सच में आज बहुत भीड़ था। तो मैंने सर को बोल दिया था कुछ फोटो कुछ वीडियो क्लिक करके ले आना, तो सर काफी वीडियो काफी फोटो क्लिक करके लाए। आप फोटो वीडियो एंजॉय करो। और अभी हम सर कहाँ जा रहे हैं? अभी हम जाएंगे आगरा। अभी हम जा रहे हैं आगरा, तो आप फोटो वीडियो एंजॉय करो। हम मिलते हैं आगरा पहुंच के। बाय बाय। सो गाइस फाइनली हम पहुंच गए आगरा। आगरा पार्किंग में मैंने गाड़ी लगा दी अंदर और बस राइडर चले गए ई रिक्शा से ताजमहल देखने। तो ताजमहल देख के आ जाएंगे, फिर करेंगे लंच, फिर यहाँ से जाएंगे मथुरा। अभी मथुरा का दर्शन नहीं हुआ है क्योंकि मथुरा 12 बजे बंद हो जाता है, सबको पता है। तो मैंने सर को बोल दिया दोपहर 4 बजे के बाद में कर लेंगे मथुरा, तो अभी पहले ताजमहल देख लेते हैं। तो सर गए ताजमहल देखने और मैं अभी पार्किंग में ही अपना घूम रहा हूँ। अंदर मेरी गाड़ी वहाँ पे लगी हुई है अंदर। और ये बारात घर ना है, यहाँ पे कुछ बारात आ रही, पता नहीं क्या खाए, डेकोरेशन हो रही है बढ़िया से। तो कोई नहीं, आ जाएंगे राइडर, फिर खाएंगे खाना, करेंगे लंच, उसके बाद जाएंगे मथुरा। मिलते हैं कुछ देर के बाद। हो गया 4:10 और मैं पार्किंग में ही बैठा था। तो सर हमारे आ चुके हैं ताजमहल देख के, तो पता कर लेते हैं ताजमहल में क्या क्या देखा और कितना भीड़ था सब कुछ। सो हेलो गाइस, हेलो, कैसे हो आप लोग? बढ़िया। टूर चल रहा है अभी? टूर बढ़िया चल रहा है। अभी आपने ताजमहल देख लिया? क्या क्या देखा ताजमहल में? ताजमहल तो बहुत बढ़िया था सर, बहुत मजा आया। अच्छा लगा? भीड़ कैसा था वहाँ पे? भीड़ बहुत था सर, तो जब भी किसी को आना है बस थोड़ा जल्दी आने को ट्राई करें, क्योंकि बहुत लंबी क्यू रहती है। ओके, अभी सैटरडे का दिन है, इस वजह से और ज्यादा होगा ना, वीकेंड भी है। फिलहाल आपने अच्छे से एक्सप्लोर कर लिया ना? यस, अच्छे से। मजा आया? मजा आया। अभी आपका फर्स्ट टाइम है सेकंड टाइम है? फर्स्ट टाइम। अच्छा फर्स्ट टाइम है, तो और भी मजे आए होंगे ना। तो अभी हम कहाँ जा रहे हैं? मथुरा। अभी हम मथुरा जा रहे हैं, कृष्ण जन्मभूमि पे जा रहे हैं मथुरा में। मतलब हम कृष्ण जन्मभूमि पे पहुंच गए मथुरा में। अभी यहाँ पे आपने कुछ फोटो वोटो क्लिक करे थे? बहुत सारे क्लिक करे हैं। और मैं आपको बता दूं ना, सर के पास में गोप्रो है, तो गोप्रो से आवाज को बहुत ही बढ़िया बढ़िया फोटो दिखाऊंगा सर के मैं। तो वीडियो में बना रहे लास्ट तक और हम पहुंचते हैं मथुरा, मिलते हैं मथुरा पहुंच के। तो सर को बोलते हैं बाय बाय।
बजा 6:10 और हम पहुंच गए मथुरा। मथुरा जन्मभूमि पर पहुंच चुके हैं और जस्ट ये है जन्मभूमि का मेन द्वार। काफ़ी भीड़ हो रही है हर तरफ, जहां भी गए आज हर जगह भीड़ मिली है। तो यहां भी आए, यहां पे भी भीड़ है, देखो अच्छी भली भीड़ है। और शाम को 6:10 हुए हैं और कुछ ही देर के बाद मंदिर हो जाएगा बंद। कुछ ऐसा माहौल लग रहा है चारों तरफ, जन मंदिर की लाइटिंग ऑन है, कितना मस्त लग रहा है, कितना बढ़िया। यहाँ पे आके सच में मजे आ जाते हैं बिल्कुल। और हमारे राइडर भी आ गए हैं। हेलो सर, अभी राइडर सर जा रहे हैं अंदर दर्शन करने और आ जाएंगे फिर। हम ज़्यादा देर नहीं रुकेंगे, थोड़ी देर ही रुकेंगे, उसके बाद सीधे चले जाएंगे। तो कितना मस्त माहौल लग रहा है ना, इस एरिया में सबसे ज़्यादा सुकून लगता है। कहीं भी घूमे आओ, इस एरिया का मज़ा ही कुछ और है सच में। तो कुछ ऐसा है, पुलिस भी लग रही है सिक्योरिटी के लिए। और चमक धमक है यहाँ पे, देखो काफ़ी डेवलप हो गया, लाइटें वाइटें एकदम बेहतरीन चल रही हैं ना, ऐसा लग रहा है रात भर यहीं पे टहलते रहो। बढ़िया मॉल है, फर्स्ट क्लास। आ जाओ दर्शन वर्शन करने, बना लो कोई टूर। हरिद्वार, ऋषिकेश, मथुरा, वृंदावन, गोवर्धन, सालासर, बालाजी, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, शिमला, मनाली, नैनीताल, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, राजस्थान, कहीं भी बनाओ टूर। लगाओ नंबर 9412223222। कर रहा हूँ अपना प्रमोशन कृष्ण जन्मभूमि के सामने खड़े होके, लगा लो नंबर, आ जाओ घूमने, कराएंगे आपको भी दर्शन राधा कृष्णा के। तो कुछ ऐसा ही माहौल है अभी। अभी सर हमारे अंदर गए हैं, तो मिलते हैं कुछ देर के बाद में। टाइम हो गया 10:10, हम पहुंच गए मेहपारपुर दिल्ली। और हम वहां से मथुरा से दर्शन करके तुरंत ही निकल गए थे, सर को यहां पे दिल्ली में कुछ काम था तो बोले फटाफट चलते हैं। तो रास्ते में हम कहीं भी नहीं रुके, ना चाय पी थी और ना कोई वीडियो शूट करा। तो अभी सर से पता कर लेते हैं कि मथुरा में दर्शन करके कैसा लगा। हेलो गाइस, मैम अभी दर्शन हो गया बढ़िया से आपका वहाँ पे? हाँ, बहुत अच्छे से दर्शन हुए। अभी अंदर भीड़ था या नहीं था? मैं तो बाहर से ही लौट आया था। भीड़ नहीं था, बिकॉज हम कितना 6:30 पहुंचे थे, तो इतना ज्यादा भीड़ नहीं था। okay. दर्शन भी अच्छे से हो गया। अभी वो कारागार वगैरह सब देख लिया था हमने। हाँ, बढ़िया से। हाँ, गए थे ना मंदिर में। हाँ, हम ऊपर मंदिर में पूरा बढ़िया से एक्सप्लोर हो गया ना। हाँ, तो अभी एक छोटी सी एक रिव्यू ले लेते हैं कि मेरे साथ की आज की जो पूरा टूर था आपका आगरा मथुरा वृंदावन का, कैसा लगा मेरे साथ ट्रैवल करके? बहुत ज्यादा अच्छा था, बहुत आप बहुत हेल्पफुल थे, बहुत मजा आया ना, अप्रोचेबल था, तो अच्छा था, बहुत मजा आया। अभी सर आपके लिए कैसा लगा? मुझे, मेरे लिए तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था आपके साथ ट्रैवल करना, क्योंकि बहुत सारी चीजों की हमें इन्फॉर्मेशन नहीं थी जो आपसे मिली, और हमारा टाइम उसके से बहुत सेव हो गया, और बहुत सारे प्लेसेस भी देखने मिले जो हमें नहीं पता थे। सो गाइस, बहुत ही कम समय में हमने बहुत ही ज्यादा एक्सप्लोर कर लिया ना एक्चुअली। इसलिए अभी हम रात को सुबह कितने बजे निकले थे हम लोग? 6:30 ना, 6:30 और अभी 10:10 हो रहे हैं, तो अभी आज का हमारा टूर कंप्लीट हो गया। तो सर आपने एंजॉय किया ना? बहुत ज्यादा मजे आए ना। तो अभी नेक्स्ट टाइम कब आ रहे हो आप बॉम्बे से दिल्ली? जल्दी जल्दी, बहुत ही जल्द आएंगे सर। और सर ने नंबर ले लिया है, हम लोग रिकमेंड भी करेंगे सबको कि आपके साथ ट्रैवल करें। थैंक यू सो मच। सो गाइस, जैसे आपने वीडियो में देखा ना, मैंने भी काफी एंजॉय किया, सर को हर चीज दिखाई, हर जगह गए हम घूमने, तो काफी मस्ती हुई है। और सर ने बॉम्बे के बारे में काफी चीजें मुझे बताई, तो मुझे भी अच्छा लगा सर से बात करके। देखते सर से आप नेक्स्ट टाइम कब मिलना रहेगा। तो मैंने भी काफी एंजॉय किया, आपने एंजॉय किया नहीं किया आप कमेंट करके जरूर बताना। आपका वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना दोस्तों के साथ में। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो, जिससे कि आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। अगर आप वीडियो फेसबुक पे देख रहे हो तो प्लीज फॉलो कर लो, बेल आइकन दबा दो, अच्छा लगे दोस्तों शेयर भी कर दो। तो अभी सर को मैं कर रहा हूँ होटल में ड्रॉप महिपालपुर, और मेरा अगला पिकअप अभी 2 घंटे के बाद है एयरपोर्ट से। तो मैं जाऊंगा एयरपोर्ट, मिलूंगा एयरपोर्ट पहुंच के। तो सर को बोलते हैं बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, बाय बाय। टाइम हो गया 11:30, मैं पहुंच गया एयरपोर्ट टर्मिनल T3 की पार्किंग में, और जो मेरा पिकअप था ना 11 बजे के आसपास, वो डिले हो गया थोड़ा, वो होगा करीब 1 बजे के आसपास। कोई बात नहीं, पिकअप तो करना ही करना है, वो सब बताएंगे कल के ब्लॉग में, पिकअप करके कहां गए थे, कौन थे, कितने लोग थे, तो कल का ब्लॉग देखना बिल्कुल मत भूलना। और जो आज के राइडर थे ना, काफ़ी मस्त थे, काफ़ी इंजॉय किया उनके साथ में, वो बढ़िया से हर जगह घुमाया। ये बुकिंग मुझे किसने दी थी, अचानक से मिली थी बुकिंग ये मेरे को कल शाम को ही, कल शाम को मिली थी मेरे को 5 बजे के आसपास में, और रात में ही पिकअप था 3 बजे अगले दिन।
तो ये राज सर है हमारे, ये देखो यहाँ पे फोटो आ रहा है, इन्होंने मेरे को बुकिंग दी थी। ये एक्सेंट गाड़ी चलाते हैं, दिल्ली एनसीआर में चलाते हैं और ये मेरी वीडियो देखते हैं। तो वहाँ से इन्हें फ़ोन करा मुझे और बोला क्या ये बुकिंग है आपके मतलब की, आप नंबर ले लो बात कर लो। तो मैंने सर से बात की और मैंने कोटेशन प्रोवाइड करी राइडर को, तो राइडर ने कोटेशन मेरी एक्सेप्ट कर ली और मैंने आज उनका टूर फाइनल करा दिया। तो सर सुबह उनकी फ्लाइट है, वो कल बॉम्बे चले जाएंगे। तो आज का टूर बहुत ही मस्त रहा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना दोस्तों के साथ में। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो, जिससे कि आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। अगर आप वीडियो फेसबुक पे देख रहे हो तो प्लीज़ फॉलो कर लो, बेल आइकन दबा दो, अच्छा लगे तो उसका शेयर भी कर दो। अगर आपने अभी तक इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पर फॉलो करो, इंस्टाग्राम आईडी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। फेसबुक पे देखो, कमेंट बॉक्स चेक करो और आप भी बना लो कोई टूर हरिद्वार, ऋषिकेश, मथुरा, वृंदावन, गोवर्धन, सालासर, बालाजी, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, चार धाम, चार धाम हो गया बंद कोई बात नहीं, और शिमला, मनाली, नैनीताल, जयपुर, जोधपुर, अजमेर, राजस्थान, कहीं भी घूमो हमारे साथ, हमारे पास सारी गाड़ी अवेलेबल हो जाएंगी। स्विफ्ट डिजायर, एक्सेंट, वैगनआर, सिलेरियो, आर्टिका, इनोवा, सारी गाड़ी एकदम रीजनेबल रेट पे मिलेंगी। तो करो हमारा, हमसे कांटेक्ट लगाओ हमारा नंबर। तो आज का ब्लॉग कर देते हैं यहीं पे एंड, लास्ट में यही बोलेंगे हंसते रहो मुस्कुराते रहो देखते रहो इसी ब्लॉग। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय। तो गाइस देख लिया ब्लॉग, प्लीज कमेंट करके बता भी दो ब्लॉग कैसा लगा, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई करूंगा जब भी टाइम मिलेगा। बाकी आपका भी कोई टूर प्लान है हरिद्वार, ऋषिकेश, मथुरा, वृंदावन, गोवर्धन, सालासर, बालाजी, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, शिमला, मनाली, नैनीताल या फिर पहाड़ों की रानी, जयपुर, जोधपुर, अजमेर, राजस्थान, कहीं भी घूमो हमारे और हमारी टीम के साथ में, करो एंजॉय फुल। तो लगाओ हमारा नंबर 9412222222। बाकी ड्राइवर भाई हमारे इन विक्की भाई की भी बात सुनो जो ऊपर वीडियो आ रही है। सो गाइस अगर आप कोई ड्राइवर भाई हो, आप हमसे बात करना चाहते हो, हमसे कोई हेल्प चाहते हो या फिर टैक्सी लाइन की कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमें दिए हुए नंबर पर फोन कर सकते हो। टाइम का ध्यान रखें, रात को 10 बजे के बाद 12 बजे से पहले ही फोन करें। बाकी आप अगर कोई हमारी गाड़ी बुक करना चाहते हो हमें कॉल कर सकते हो 24/7 कभी भी। हम आपको कोटेशन प्रोवाइड कर देंगे आपके टूर प्लान के हिसाब से, आपको हमारा कोटेशन ठीक लगे तो आप टूर कर सकते हो हमारे और हमारी टीम के साथ में कहीं भी एकदम रीजनेबल रेट पे। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ में, बाय बाय।